कहीं ना कहीं न्याय है, कहीं सत्य की एक डोर है। वाह, वह कोई भी युग रहेगा, आप एक्सीलेंट वर्क करेंगे तो आपको जरूर कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा। ते बजावा नहीं दे। हालो 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 सलीलता नहीं थी विरहा में, पर्दे में बात निकल जा। राम दोस्त आ गया जवाब में और मिला श्रीवास्तव आज ही उनकर डुएट वाली लाइन गावा गा मुन्ना करे जाके छोए वाली बात रहे तावा वाला कैसेट रहल जमाना रहल बाबूजी यही बगल में शिव बरन सिंह राम सेवक सिंह तावा वाला कैसेट के पहला बिरहा के कलाकार रहलन लोग इन्हीं लोगन के देख रेख में जेकर कैसेट होके वो हो जाए मदन मशीनरी मार्ट वाला लिखे वो साथ गोले रहलन रुना झुना खोला न हो के वड़िया रुना झुना खोला न हो के वड़िया हम अभी तो समाज ही बना
गीत के जवाब उर्मिला श्रीवास्तव जी भी जीवित हैं, लगभग 72-73 साल उनकी उम्र हो रही है। पिछले साल उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हमारे जिले के होने के नाते कई बार उनसे कजरी महोत्सव में मुलाकात होती है। बड़ी मृदुभाषी हैं, बहुत सरल व्यक्तित्व है। कामगार स्टेडियम में मंच लगा था, हाय हाय हाय, और तब महिलाएं पर्दा में रहा करती थी, लेकिन कितना बड़ा साहस उन्होंने किया उस जमाने में। बाबा, और ऐसा नहीं कि बेरोजगार थी। आर्य कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज में वो संगीत की प्रवक्ता हैं, अब रिटायर हो चुकी हैं। रुन झुन खोला ना हो केवड़िया, हम विदेशवा जइबे ना, एकर जवाब का गौली हूँ जो कि ये मोरा सैया तू विदेशवा जइबा ना। हमारे बापई के बोलवादा हम नहीं हरवा जइबा ना। हमारे नैहर काहे जेबू थान परात गहना गीठो साज समाज लिया के रखले ही बाबा। ऐसा चल जेबू तो जितना लागल दाम रुपया उतना दे के हो जइहा। ई लाइन रहल उस्ताद के जवाब का मिले जो कि ए मोरे सैया तू रुपया ले बना। जैसन बाबा घरवा रहली जैसन पपाई घरवा रहली वैसन कैसे हो जइहा। अपने समाज की प्रतिभाओं का कद्र करने में भी हम पीछे हैं एमएलसी साहब। बाबा, अगर आपकी उम्र छोटी है, जानकारी अच्छी है, तो भी रिश्तेवश लोग आपसे नफरत शुरू कर देते हैं। बाबा, दो दिन का लौंडा बतियाओ हमारे सामने, आपका लड़का है कैसे साल में आईएएस हो जाई, वो तथ्य परक बताई। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अधियारो, कहेगा पापा ये बात गलत है, सूर्य के करीब पहुंचने से पहले ही आदमी जलकर भस्म हो जाएगा, तो आप उसे गाली देंगे। यही हो रहा है गीत में, संगीत में और राजनीति में भी। चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारत का बदलता स्वरूप आज एक दूसरे की विद्वता स्वीकार करने की कोशिश नहीं कर रहा है। एक छोटा सा उदाहरण है, संजू सैमसंग नाम का एक खिलाड़ी है बेचारा, चाहे जितने ही लोग खेलत हो, परसोइया उस 5 बॉल में 5 छक्का मरलस और 4 बॉल में 4 चौका मरलस, और ओके लगभग 5-7 साल से पीछे पीछे दौड़ावल जात रहल है। तो यहाँ प्रतिभाओं का कद्र नहीं होता, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, धंस जाए वह देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, जात्री गोत्र के बल पर ही आदर पाते हैं जहां सुजान। मैं नहीं कह रहा हूं बाबू,
राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक किताब जरूर पढ़ लीजिएगा, कविता में रश्मि रथी, हाय कर्ण तू क्यों जन्मा और जन्मा तू क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल से भूषित तेरा अधम शरीर हुआ। अरे सूत पूत कह करके उसी कारण से स्वयंवर से बाहर करा दिया गया और उसी कर्ण की विद्वता के लिए पूछा गया, जादे तू मत बोल बकबक बोलो हो तू कौन, अपनी जात बताओ कर्ण तुम कौन हो। यह राज दरबार के लोगों का राजकुमारों का खेल है, इस खेल में तुम भागीदारी नहीं ले सकते जब तक किसी राज का राज बालक न हो या तुम्हारे पास राज न हो। लड़ाइयां लड़ी गई, दूसरी किताब उनकी है रामधारी सिंह दिनकर की, संस्कृति के चार अध्याय, जो आईएएस के पेपर में बच्चे पढ़ते हैं आप इस विचार को, जिनके हाथ में कलम है, जिनका मुखपत्र है, उन्हीं का गुणगान तब भी हुआ था अब भी हो रहा है, अगर नहीं चेते तो आने वाले समय में भी होगा। एमएलसी साहब जैसे कितने लोग कितने दिनों तक जगाएंगे, जगाते रहेंगे, पूरे जंगल में आग लगी थी, दावा नल दहक रहा था, साहब ये बिरहा की भोली भाली जनता बैठी है, बिरहा समाज पे भी सवाल है, सारे पक्षी हिरण शेर बाघ मोर बाज कौवा गिद्ध देख रहे थे, एक छोटी सी गौरैया अपने चोंच में पानी भर करके बार बार उस दावानल अग्नि के महाकुंड को ऊपर गिरा रही थी, चोंच से डालकर हट जाती थी, लपट लगती थी, सभी जानवर हंस रहे थे, देखो इस मूर्ख की क्या कर रही हो, तुम्हारे चोंच में कितना पानी है कि हदावा नल शांत हो जाएगा। गौरैया कहती है, आदरणीय जन मेरे चोंच में पानी का सवाल नहीं है, यह दावा नल शांत हो या ना हो, इतिहास के पन्नों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम सबका नाम तमाशा देखने वालों में होगा और मेरा नाम आग बुझाने की कोशिश करने वालों में होगा। यही काम आप कर रहे हैं एमएलसी साहब, यही काम अपने तरीके से मैं भी छोटे स्तर पर कर रहा हूं, क्योंकि आपके उतने संपर्क हैं और हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, हम लोग छोटी बिना संपर्क के फ्रीलांस हैं, सरकारी खांचे में ही बंधे हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए, ट्राई टू ट्राई बट डू नॉट स्टॉप। लेकिन जब अपने लोग अपनों के ऊपर ही वार करते हैं चौतरफा, तब दिल द्रवित होता है कि किसके लिए करेंगे, कोई सोचने वाला है। यह बिरहा कि मैं अपनी जिंदगी के 42 साल की छोटी सी गायकी में आधा दर्जन देशों की यात्रा और दो किताबें लिखने के बाद, जिसमें एक किताब अवार्ड है गजरी मीमांसा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उन तानों ने छलनी कर दिया यह समाज कहां खड़ा है, उन्हें सत्य सत्य की पहचान नहीं है। चलें दोस्ता जवाब दें, एक बार कन्या घर का देहुड़ी डांक करके ससुराल में पैर रख दी, पति से समागम हुआ या नहीं, मिलन हुआ या नहीं, कोई नौ डिगर पड़ गल बाबू, वह सदा सदा के लिए दुआ हो गई, सबके बेटी बेटा बा,
सबके उखी पतईबा बाबूजी। वाह अच्छी बात, हम आप दोनों लोग कर रहे हैं अच्छी बात सुनने वाले लोग। नेताजी आए बड़ा अच्छी बात है सम्मान के। आप लोग तो इसी जिले जवार के ही रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला सचिव हैं, मीडिया प्रभारी हैं, तमाम लोग हैं। आधा घंटा एक घंटा रुक करके, ऐसा नहीं कि रुकेंगे तो कलाकारों को इनाम दे देंगे, तो रुपये खातिर आप बलिया से आए हैं और रुपया के लिए मैं आया हूँ, दिनेश की बात पर हम दोनों लोग आए हैं। यही विजडम डेवलप करना है। वहां बड़े सलीके से आपका भाषण मैं सुना हूं, गोली भी चली रहेगी तो एक ही निशान के साथ लोग बटन दबा देंगे, मुहर लगा देंगे। यहां हमारा घरे पानी पी लेला और दिनेश के घरे पानी ना पिएला एमएलसी साहब, या दिनेश के घरे पानी पी लेला मन्नू के घरे पानी ना पिएला, बड़े झंझावत में निकल गई ला, तो मन्नू यह कहे कि अच्छा अच्छा दिनेश के घरे पानी पी ले बड़ा ना, तो जा दिनेश से वोट दिवाला, अब हम दूसरा और हो गई। यहां वहां गोली भी चली है तो एक ही सिंबल है, यहां आप उधर पानी पी लिए मेरे इधर नहीं पिए तो सिंबल बदल गया। धन्य है वो महापुरुष जिन्होंने जगाया, एक बार कन्या आगे पैर रखती है दुआ हो जाती है, अब उसका गणना दुआ में होगा, भले अपने पति को स्पर्श की हो या ना की हो बिचारी। ओ सबला है अबला जीवन हार, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है आंखों में पानी। ए बाबू जब आपका मिलल आप बाबा घरवा रहलू वही समय नहीं हो बुना बोल। होई है गोदिया में हो होरी लावा, होई है गोदिया में हो होरी लावा, मनसा पूरा होई है ना। छोटी सी कहानी, फर्ज क्या होना चाहिए वास्तव में।